बीती रात चोरों की इस बारात ने मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के गुजरावाला टाउन में साईं बाथ नाम के शोरूम में धावा बोला। सीसीटीवी में कैद इन चोरों की संख्या करीब 6 से 7 है। ये सभी होंडा सिटी कार से आए और बड़े आराम से शोरूम से नल और शावर के कार्टून निकालकर गाड़ी में भरकर चले गए। चोरों की ये घटना जितनी चिंताजनक है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। रात करीब 1:30 बजे आए इन चोरों ने 3 बार चक्कर लगाए और करीब 50,000 रुपए नकद और 7 से 8 लाख रुपए के सामान पर इन्होंने हाथ साफ कर लिया। 7:30 अपना 7:45 बजे हम दुकान बंद करके गए हैं। उसके बाद ये जो हमारे को कैमरे के हिसाब से पता चल रहा है तो उस हिसाब से तो ये है जी, ये आए 1:30 बजे बंदे। इन्होंने पहले तसल्ली से शटर तोड़ा, शटर तोड़ के ऊपर अंदर आए जी, ये 7 या 8 बंदे थे। और जो अंदर आके इन्होंने तसल्ली से पहले एक बार गाड़ी लेके आए, एक वो गाड़ी का नाम क्या है, होंडा सिटी। होंडा सिटी में ये सारे बंदे अंदर आए, इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ था मुँह पे और फिर वो गाड़ी भर के चली गई। फिर दोबारा गाड़ी लेके आए जी, उस पर फिर इन्होंने माल भरा, फिर माल भर के ले गए। फिर जब तीसरी बार आए, अंदर सो रहे थे ये, मतलब इतनी तसल्ली थी इन्हें, किसी क्या कम से कम डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई पुलिस का डर नहीं, कोई इन्हें ये डर नहीं कि यहाँ से गश्त निकलेगी या पुलिस वाला पकड़ेगा, कोई डर नहीं किसी चीज का। इनको तो ये था कि भाई हम तो बेखड़क चोरी कर रहे हैं। जीडी करनाल रोड जैसे व्यस्त रोड पर हुई ये घटना चोरों के बुलंद हौसलों को बयां कर रही है। ये चोर आते हैं और माल भरते हैं और फिर उसे खाली कर वापस आ जाते हैं। इस दौरान दो चोर रात भर शोरूम के अंदर ही रहे, टेबल पर सोते रहे या तलाशी लेते रहे। इन्हें देखकर नहीं लगता कि इन्हें पुलिस की कोई चिंता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मॉडल टाउन में इस तरह की वारदातें आम हैं। जानकारी ये भी है कि चौकीदार ने इन चोरों को देख लिया था लेकिन इसे रिवॉल्वर दिखाया गया और फिर चौकीदार चुप हो गया। ये नलके के कार्टून है जी हमारे पास, तो ये नलके के कार्टून ले गए हैं। अप्रोक्सीमेटली कैश भी गल्ले में, सारे गल्ले में से कैश वैश भी ले गए हैं। 30-40 हज़ार रुपये कैश था और ऑफिस के भी सारे गल्ले तोड़ दिए हैं और यहाँ से कम 10-12 कार्टून के करीब माल का गायब हुआ है। नॉर्थ वेस्ट जिले में बढ़ती वारदातें सचमुच लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं, वहीं पुलिस के लिए चुनौती भी बनी हुई है। वारदातों की सीसीटीवी तस्वीरें भी मिलती हैं, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली रहते हैं। बहरहाल इस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन जांच का नतीजा क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए प्रदीप कोहली की रिपोर्ट।